शिफा का गुप्त सोनी, मैंने खुद को बचाने के लिए शिफा पर झूठा इल्जाम लगाया था कि रोहिल उससे मिलने आए, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा। रोहिल तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें चाहती थी ना कि शिफा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसीलिए तो तुमने मुझसे फ्लर्ट किया था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो शादी करके इस घर से चली जाए, लेकिन रोहिल मुझे हासिल करना चाहता है। मैंने रोहिल को शिफा की तस्वीरें भेजी क्योंकि मैं उसे तुम्हारी नजर में गिराना चाहती थी, क्योंकि तुमने उसकी बात का यकीन करके मुझ पर हाथ उठाया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उसे थप्पड़ ने मेरी अच्छाई छीन ली। क्या मतलब? मतलब ये कि जितना कॉम्प्रोमाइज करना था कर लिया, जितना सहना था सह चुकी। तो अब क्या करोगी? शिफा के सर से आसमान खींच लूंगी मैं, उसे जमीन पे खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। इसलिए जब उस दिन सब समझे कि शिफा ने रोहिल को अपने कमरे में बुलाए, तो मैंने उस पर इल्जाम लगा दिया। शिफा भाभी को तुम क्या कर रहे हो? भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं प्लीज अपनी बहन के खातिर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। शिफा मुझे बताती थी तुम झूठ बोलती हो, मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। मैं शादी के शुरू के दिनों में झूठ नहीं बोलती थी, मैं तुम्हारी खातिर उसे डांटता था, मैंने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मैं उस पर चिल्लाने लगा। ये आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है भाई, इसलिए इन्होंने रोहिल का था। तुम झूठ बोल रही हो। उसका एतबार छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपकी मोहब्बत के दावे सब गलत थे। क्या कहते थे आप, आपको याद है? आप कहते थे कि मैं शिफा का भाई नहीं बाप हूं। आप बाप बनकर क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो भाई बनकर भी एतबार नहीं कर रहे। ये कैसी मोहब्बत है भाई, ये कैसी मोहब्बत है जो यकीन करना नहीं जानती। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। भाभी क्या हुआ, आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हैं? सोना नहीं आपको? तुम हर बार कैसे जीत जाती हो शिफा, हर बार किस्मत तुम्हारा साथ क्यों देती है? तुम जानती हो शादी के पहले दिन से तुम एक सेब की तरह मुझसे चिपटी हुई हो। मैंने तुमसे जान छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, दुआएं की, झूठ बोले, मेरे की परवाह नहीं की। अल्लाह तुम्हें हर बार क्यों बचा लेता? क्योंकि आप हमेशा से मुझे हराने की कोशिश करती रही। आपने कभी अपनी जीत के लिए कोशिश ही नहीं की। अभी काश अब मुझे हराने के बजाय अपनी जीत के लिए कोशिश करती, काश आप दुआएं तो करती लेकिन झूठ ना बोलती। अगर कुछ चाहिए था तो अल्लाह ताला से मांगती, उनसे कहती कि मेर भाई आपको दे दे, किसी के भी शराकत के बगैर। भाभी किस्मत ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, वो तो बस आपकी चाले उल्टी करती रही और आप बचती रही। और अब देखिए किस्मत ने पहली बार मेरा साथ दिया और आप
अपनी जान में फंस गई। भाभी, आपने एक बार भी सोचा उस वक्त कि उस वक्त अगर उमेर भाई को पता चल जाता और वो आपको छोड़ देते तो फिर हदिया का क्या होता? ऐसा मत कहो, मैं हदिया और उमेर के बगैर नहीं रह सकती। भाभी, काश कि ये ख्याल आपको पहले आ गया होता। कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स चाय तो मैं ही अच्छी बनाता हूँ, लेकिन चलो तुम भी क्या याद करोगी, आज तुम्हें मौका देता हूँ। चलो सर पे मत चढ़ो, इतने दिनों से मैं चाय बना रही हूँ, अब तुम्हारी बारी है, चलो। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो मेरी चाय को बुरा नहीं कहोगी। हाँ हाँ चलो। कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ पहला हक तुम्हारा है। अरे शिफा जी, हम मेहमान नवाज लोग हैं और मेरी मेहमान अनकंफर्टेबल सोए। नहीं नहीं, आप प्लीज अंदर ही जाके सोए। जाइए जाइए प्लीज। उमेर, तुम्हारा वजूद ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने ये प्रेस करवा दिया। समायर, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, आइंदा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उमेर, मुझे सजा दे दो, किस तरह मुझसे बात मत करो। तुम्हारा ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। समायर, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो। उमेर, तुम भूल गए हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है समायर, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें अपना आप सौंपा, तुम्हें ये कर दिया, तुम पर एतबार किया। एक बार नहीं कई बार कहा था कि शिवा को अपनी नंद मत समझना, बहन समझ लेना, बेटी समझ लेना, अगर इतनी आला जर्फ ना बन सको तो दोस्ती समझ लेना। और तुमने क्या किया? शिवा की इज्जत को दो कौड़े का कर दिया। मेरी मोहब्बत भी तुम अपने इंतकाम में भूल गई समाहिर। अफसोस है मुझे कि तुम मेरी पसंद हो, अफसोस है कि मेरे बच्चे की माँ हो। जिस तरह बच्चे अपनी गलतियों को इरेज कर सकते हैं, काश मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी से इरेज कर सकता। उमेर, जो माफ नहीं कर सकते, काश ये भी कर सकता। उमेर, अगर यही बात तो फिर तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है, तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकाल ही दिया, दिल से तो हमेशा के लिए निकाल दिया। घर में रहो या ना रहो, क्या फर्क पड़ता?
ये देखो हदिया, ये फूफो की फेवरेट डॉल है। जब फूफो आपके जितनी थी ना, तब से ये डॉल आपकी फूफो के पास है। दोस्ती करोगी इससे? भाभी, ये बैग, मैं जा रही हूँ शिफा, ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि जबरदस्ती ईंट की दीवारें निलाम करवाई जा सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई जा सकती। मैंने तो तुम्हारे साथ नादानी की वजह से मैं उमेर के दिल में अपनी जगह भी खो बैठी। शिफा, मैं खुद को तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं समझती, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेरी हत्या का ख्याल रखना। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है शिफा, तुम प्लीज इसके साथ मत करना। ये सजा मैंने अपने लिए खुद चुनी, क्योंकि मैं हदिया को उमेर से दूर करके मजीद सुलह नहीं करना चाहती। जाने क्यों नसीबों में है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। लंबी जुदाइयां तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिल ने सितम भी सहे, घर में रो या ना रो, दीना दुहाइयां क्या फर्क पड़ता। जिंदड़ी दुख भी निमड़े, दिल से तो हमेशा के लिए निकाल दिया। लगने लगी है अब तो सांसे बराया। समाया मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, वो इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शिफा के दिल में तुमको जगह बनानी होगी। बहुत सी बातों को इग्नोर करना होगा, बहुत बार झुकना पड़ेगा। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगी तो दिलों में फासले बढ़ेंगे। मैं टूट गई बुलिया, मैं रुल गई बुलिया, मैं कलम कली Enjoy rupees 500 off on your first order from Hum Mart app. Download the app and order now. Hum Mart, kare life aasan. Hadiya, peena hai? Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Hello Hadiya. क्या हाल है बाबा की बेबी का? शिफा, मैं चेंज करूं तुमसे गाना लगा दो भाई। तुम्हारे भाभी
चली गई अपने पेरेंट्स के घर। बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। कैसा गुजरा आज आपका दिन हमारे बगैर? बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है, वहां दिन अच्छे गुजरते हैं तो वहीं जाकर चली जाऊं? दोबारा जाके दिखाओ, एक घंटा भी वहां रुकने दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा, तो फिर पहले इतना अकड़ के क्यों कह रहे थे कि चली जाओ? पहले की बात तो रहने ही दो, पहले की जिंदगी तो अब अजीब लगती है। जिस जिंदगी में तुम नहीं थी वो तो बेकार है। इतनी सुबह उठ गई हो? जल्दी नहीं उठूंगी तो घर कौन संभालेगा? जिसका घर है वो ही संभालेगी ना। क्या बात है आलिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस समाहिर की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। हाँ, ये तो अब एक मुस्तकिल परेशानी है हमारे लिए। अब तो आप ही हर वक्त चुप रहती हो, या रोती रहेंगी या खलाओं में घूमती रहेंगी। खाना भी दो तो दो चारने वालों से ज्यादा नहीं खाती। 3 महीने से हदिया को देखने के लिए तड़प रही है लेकिन अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं खुद को ये सजा क्यों दे रही है। उमेर भाई ने भी तो रابطہ नहीं किया। नहीं, समाहिर खुद घर छोड़कर आई है। उमेर क्यों रابطہ करता फिरे? फिर भी मामा, अगर तुम कहो तो मैं उमेर से बात करूं। नहीं, हरगिज नहीं। उसने सख्ती से मना किया कि कोई भी उमेर से रابطہ नहीं करेगा। अगले हफ्ते समर को माइयों बिठा रहे हैं यार, और अम्मा मुझे घर छोड़ के खानदान की तमाम बहनों भाभियों और कजनों को उसके घर लेके जा रही हैं यार। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अम्मा को किस तरह मनाऊं, किसी तरह वो मुझे समर के घर ले जाए। क्या हुआ, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? हाँ? नहीं, सुन रहा हूँ। सुन, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो तेरा ये मूड क्यों ऑफ है यार? वो इतना टायरिंग शेड्यूल है शूट का, रास्ते में ये ट्रैफिक, सर में दर्द हो जाता है मेरे। बस इतनी सी बात है? हाँ, इतनी सी बात ही। अच्छा चल, मैं बताऊँ कि मूड कैसे ठीक किया जाए। बता भाई। तू ना शिफा भाभी से बात कर ले। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि इस टॉपिक पे बात मत किया कर। अच्छा ठीक है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन मेरी बात तो मान। तू भाभी से बात तो करके देख, मैं गारंटी देता हूँ कि तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और तेरी थकावट भी दूर हो जाएगी। समीर, तू यहाँ से अभी चला जा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी बात पे जरूर गौर करना। मैंने कहा ना, जा। समीर का तो दिमाग खराब है जो मुझे शिफा से बात करने के मशवरे दे रहा है। मुझे शिफा से नहीं, महक से बात करने की जरूरत है। कुछ देर महक से बात करूंगा तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा।
हेलो। हाँ हेलो महक। महक नहीं, शिफा बात कर रही हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। I'm really sorry यार, वो एक्चुअली महक को कॉल कर रहा था लेकिन गलती से तुम्हें नंबर डायल हो गया। हाँ मैं समझ गई थी कि तुमने महक को ही कॉल की होगी। चलो मैं फोन रखती हूँ, तुम महक को कॉल कर लो। ओके अल्लाह हाफिज़। नंबर ही डिलीट कर देता हूँ, ना नंबर होगा और ना ही दोबारा कॉल मिलेगी। नंबर डिलीट करने से क्या होगा, मुझे खुद ही अपने आप को समझाना होगा। क्या करूं यार, क्या करूं? क्या मुसीबत है यार। पता अभी तकी का फोन आया था। वो तुम्हें फोन भी करता है? रोज नहीं करता। तो फिर अभी कैसे किया? वो शायद महक को कॉल कर रहा था और गलती से मेरा नंबर डायल कर दिया उसने। ओह वाओ, यानी मार पड़ी मजनू को और जख्मी हो गए लैला के हाथ। तकी डायल कर रहा था महक का नंबर और कॉल मिल गई तुम्हें। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? क्या फजूल बोल रही हो? मैं फजूल नहीं बोल रही, तुम्हें समझा रही हूँ। तुम क्या समझा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओफ पागल लड़की, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मोहब्बत तुम तकी से करती हो उतनी मोहब्बत वो भी तुमसे करता है। मैं तकी से मोहब्बत नहीं करती। तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, खुद से भी और सबसे भी? बोलो मैं ठीक कह रही हूँ ना, करती हूँ ना तुम मुझसे मोहब्बत? समझ कैसे समझाऊं? मैं खाई नहीं कहलाना चाहती, ये बात तो मुझे पहले दिन से पता थी कि बाकी कभी मेरा नहीं हो सकता। तो फिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? याद कब रखा था जो भूल जाओ? अगर ऐसा ही था तो तुमने 3 महीने से उसे खुलाए तलाक की बात क्यों नहीं की? उसका घर छोड़ दिया तो उसकी मोहब्बत को भी छोड़ दो, उससे वाबस्ता यादों को भी दिल से निकाल दो। बोलो। मैं हदिया को सुला के आई थी, शायद जाग गई हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ भाई, नहीं नहीं एक ट्रक काफी रहेगा और 2-3 मजदूर बस, लेकिन प्लीज जरा जल्दी भेज दें। ठीक ठीक ओके ओके अल्लाह हाफिज़। क्यों, तुम कुछ नहीं करोगे, बस आराम करने के लिए आए हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तुम वापस छोड़ो, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। कैसी रौनक थी शिफा के दम से। अगर तुमने मुझसे नाश्ता बनवाना था तो साफ कह देते, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, आपने कोई एहसान नहीं किया, ना मैंने आपको कहा, आपने खुद बनाया अपनी मर्जी से। एक तो कहे बगैर तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बनाऊं, ऊपर से तुम मेरा एहसान भी नहीं मान रहे हो, अकड़ दिखा रहे हो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तकी बाइक आहिस्ता चलाओ। उमेर भाई ने तो मुझे पीछे अकेले छोड़ दिया था, नहीं तो मुझे गिराए ना दो। तुम्हारी गिरने की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात कंफर्म है। तुमने महक को बताया? नहीं। तुम्हें उसे बताना चाहिए था, वो तुम्हारी कामयाबी का सुनकर बहुत खुश होती। बता दूंगा।
ज़हन में नहीं आया, पहला ख्याल ही तुम्हारा आया तो तुम्हें बता दिया। तुम्हें सबसे पहले उसे बताना चाहिए था। लड़कियां ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत अहमियत देती हैं। मैंने सब लड़कियों का क्या करना है, मेरे लिए महक ही काफी है। तुम देखना तुम्हारा मियाँ सर पकड़ पकड़ के रोया करेगा, कसम उठवा लो इस बात पे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो मेरे मियाँ के बारे में सोच सोच के? मेरा मियाँ दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। जब तुमसे शादी हो गई तो खुशकिस्मती कैसी? मेरी बात मानो, उसको बदकिस्मत ही रहने दो। तब की इधर आओ तुम। अच्छा अच्छा सॉरी 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 मैं गलत कहता था शिफा, तुम्हारा शौहर वाकई दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। तकी बेटा, यहां खड़े हुए क्या सोच रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम शिफा को वापस ले आओ, ये घर उसी का है और उसे ही यहां रहना चाहिए। आपको आज शिफा को ज्यादा याद नहीं आ रही? तो मुझे भूलती ही कब है वो? देखो बेटा मेरी बात मानो, तुम महक के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगे। हमारा जो टॉपिक खत्म हो चुका है उसे फिर क्यों शुरू कर रही हैं आप? खत्म नहीं हुआ था, तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं खामोश हो गई थी। जो भी है, जब बात खत्म हो गई तो हो गई। तकीब, अगर आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी है तो अब्बा से जाके बात करें, समीर की शादी के बाद महक के घर से शादी की तारीख कंफर्म करें। वैसे भी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ प्रोजेक्ट के लिए और सोच रहा हूँ महक को साथ लेके जाऊँ। अरे कहाँ रह गए मजदूर यार, आपका फोन किया मैं। खाला, हदिया बहुत तंग करने लगी है, कुछ खाती नहीं है, हर वक्त रोती रहती है। माँ के बगैर उदास हो गई है और कुछ नहीं है। इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान तो उस ननी जान का हुआ है ना। अब ठीक कह रही है, सुमैर भाभी घर से चली गई, उमैर भाई का होना या ना होना एक ही बात था। कैसी बातें कर रही हो शिफा, क्या उमैर को हदिया की फिक्र नहीं है? खाला अगर फिक्र होती तो वो समाहिर भाभी को अब तक ले आते ना। क्या पता वो चाह रहा हो समाहिर को वापस लाना, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा होगा कि कहीं तुम बुरा ना मना लो। बुरा तो मैं तब मनाऊं जब वो बात करे मुझसे। मैं जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ या तो वो चले जाते हैं या वो खामोश हो जाते हैं। वो बेचारा तो अपने आप में ही उलझ गया, एक तरफ बहन का प्यार और दूसरी तरफ समाहिर की वापसी, इन सोचों ने उसे परेशान कर दिया। खाला आप क्यों नहीं बात कर लेती उमैर भाई से? मैं क्या बात करूंगी उससे? प्लीज खाला, मैं जानती हूँ आपकी बात जरूर मानेंगे। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। अच्छा बेटा, समर बता रही थी कि तकी का फोन आया था। समर भी ना न्यूज चैनल है, कोई बात इसके पेट में टिकती नहीं है। अच्छा आप इसको छोड़े, आप मुझे कच्ची सी चाय प्लीज बना दे और समर को भेज दे, कहीं हदिया से तंग नहीं कर रही हो। चलो मैं भेजती हूँ। थैंक यू। इसलिए कह रहा था किसी कॉर्नर वाली टेबल पे बैठते हैं, यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। ये तो मैं अच्छा नहीं लगता। नहीं मीन, अच्छा तो लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, लोग पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की प्राइवेसी भी चाहिए होती है ना। तुम इतने बिजी हो गए हो, ना कॉल करते हो ना मैसेज करते हो, इतने मसरूफ हो। अरे यार तुम जानती हो कितनी टफ रूटीन होती है, शूटिंग्स और फिर प्रमोशंस के झंझट एंड ऑल। लेकिन ताकि इंसान टाइम निकाल सकता है,
निकालता तो हूँ, लेकिन तुमने भी तो काम स्टार्ट कर दिया ना। जब भी मैं फ्री होता तुम कहीं ना कहीं बिजी होती हो। हाँ तो मैंने बताया था ना, मैंने डैड की फर्म ज्वाइन कर ली है, अब टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। गुड। अच्छा बताओ, अम्मा अब्बा को कब भेजूं? इसलिए शादी की डेट फिक्स करने के लिए, और किस लिए? शादी की डेट ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, ये हो जाएगा। अरे भाई मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारी अम्मा चाहती हैं कि बहू जल्द से जल्द घर आ जाए। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, बेटे की पढ़ाई खत्म हो गई और वो कमा रहा है तो उसकी शादी कर दो। पता नहीं मिडिल क्लास सोच कब बदलेगी। अब अगर बेटे ने पढ़ाई खत्म कर ली और वो थोड़ा सा कमा रहा है तो उसे स्पेस देनी चाहिए, राइट, कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन नहीं, मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। इसमें अजीब बात क्या है? मैं जब बच्चे कमाने लग जाते हैं, अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप चाहते हैं कि उनकी खुशियाँ दें। आई थिंक उनका राइट भी है। थैंक गॉड हमारे क्लास की मॉम्स को ऐसे कोई शौक नहीं है, वो सब इतना बिजी रहती हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, जब हमारी शादी हो जाएगी, तुम हमारे घर आ जाओगी, तो तुम्हारी भी वही क्लास होगी जो हमारी है। खबरें बताओ कब भेजूं अम्मा पापा को? इतनी जल्दी क्या है, ये भी हो ही जाएगा। By the way, शिफा कैसी है? हाँ? मैं पूछ रही हूँ शिफा कैसी है? इन बातों के बीच में शिफा कहाँ से आ गई? जब जब शादी की बात होगी शिफा का नाम तो आएगा ना, After all, वो तुम्हारी पहली बीवी है। Come on, मैं तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी की क्या हैसियत है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं जानते। लुक तक ये बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारे इस निकाह की वजह से ना सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब वो तुम्हें इज्जत थी तो हमारे पेरेंट्स से एंगेजमेंट नहीं तोड़ी, लेकिन वो यही चाहते हैं कि जब तक तुम शिफा को तलाक नहीं दोगे मेरी शादी की बात नहीं हो सकती। और ऑनेस्टली मैं भी यही चाहती हूँ, आई डोंट थिंक इसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। Right. By the way, वो तुम्हारा फ्रेंड था ना जिसकी शादी हो रही थी, कब है? परसों मेहंदी है। परसों मैं फ्री हूँ। Great. मैं साथ चलूँ। क्यों? क्यों क्या? वो लोग माइंड करेंगे अगर तुम अनइनवाइटेड गेस्ट को ले आओ। हाँ, नहीं। माइंड क्यों करेगा वो? बल्कि चलना गुड आइडिया। Why not? Great. मुझे हमेशा से मिडिल क्लास वेडिंग देखने का बहुत शौक, ये भी पूरा हो जाएगा। जब तक तुम शिफा को तलाक नहीं दोगे मेरी शादी की बात नहीं हो सकती। हेलो, हाँ समीर। हाँ तकी। कहाँ यार, फ्री है तो भाई की शादी की शेरवानी सिलेक्ट करवाने चल दे। नहीं यार, I'm sorry, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकता भाई? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ यार। जरूरी काम? अबे भाई की शादी से भी जरूरी काम कोई हो सकता है भला? भाई की शादी से ज्यादा जरूरी काम ये है कि मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ अपने तलाक के बारे में डिस्कस करने के लिए। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कैसी बातें कर रही है? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? तकी मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सोच, ये सही फैसला नहीं है यार। मैंने सोच लिया, वैसे भी ये मामला सोचने समझने से आगे निकल चुका है, ऐसा ना हो तो मैं अपना इरादा बदल दूँ, ये काम देना चाहिए। क्या क्या कह रहा है यार? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे महक से शादी करनी है, और महक मुझसे तब तक शादी नहीं करेगी जब तक मैं शिफा को तलाक नहीं दूंगा। उसने कहा और तू कार्ड की उल्लू कितना पेपर्स भरवाने चल पड़ा? शर्म यार। देख तकी तू पछताएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू बहुत पछताएगा। भाई मैंने आपका खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया, घर पहुंचते खा लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। और मुझे शायद देर हो जाए तो आप मेरा वेट ना कीजिएगा, मैं रात को वहीं रुक जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। खाली घर तो काटने को दौड़ता है। भाई खाली घर तो ऐसे ही काटता फिरेगा,
इसीलिए कहती हूँ घर की असल मालकिन को वापस बुला ले। ऐसे क्या देख रहे हैं? भाई आपके घर को मेरी या हदिया की जरूरत नहीं है, हम तो इस घर की बेटियां हैं और बेटियां सारी जिंदगी अपने बाप भाई के घर नहीं रहती। आपके घर को बीवी की जरूरत है, मेरे भाई आपको समायर भाभी की जरूरत है। किसी और वक्त बात करेंगे। मेरे भाई आप जितने पर्दे डाल लें लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि समायर भाभी के बगैर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और उसे कोई दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता। मेरे भाई क्या हुआ? हो गए पेपर्स तैयार?